दोस्तों, दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो आने वाली आप तक हमारी पहुंचती रहे। देखिए दोस्तों, ये जर्किंग का प्रॉब्लम है, इसको रेस कर रहे हैं। देखिए तो एक पाइप भी दब रहा है, एयर फिल्टर का पाइप भी दब जा रहा है। हम चेक करने वाले हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रॉब्लम मिल चुका है, तो उसके पहले गाड़ी के जो ओनर हैं उनसे हम बात करेंगे। वो क्या कह रहे हैं, क्या हुआ भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मैं इतना परेशान हो चुका था, अभी नवा इंजन बनाया था मैंने, 30-35 हज़ार रुपये खर्चा हुआ। फिर कल मैंने एक फेरा मारा बिस्मिल्लाह बोल के, तो प्रॉब्लम ये हो रहा था, ये गाड़ी 50 के ऊपर जाने रही थी ना, काला स्मोक धुआं इतना फेंक रही थी कि हाथ बिना का। फिर हम लोग वापस में यहाँ गैरेज पर आया, भाई को बताया, अलहमदिल्ला बहुत अच्छे मैकेनिक है ये मुस्तकीम भाई हमारे सूरत से ना। प्लस दूसरी बात, हमने क्या इंटरकूलर CGR वो भी चेक कर डाले, फिर एक स्विच EGR वॉल चेक कर डाले, इंटरकूलर चेक कर डाले, सब क्लियर बताया, स्विच चेक कर सब क्लियर बताया। फिर अल्लाह के करम थे, नबी के फसलों करम थे, वलियों के दुआ से भाई के मगज में अल्लाह ने क्या बात डाला, तो एयर किन्नर के अंदर एक कपड़ा अटका हुआ है। आप ये अपने आँख से देख सकते हैं कि इसके कारण कितना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था ना, मैं कितना परेशान हो चुका था। इसके लिए आप अपनी भी गाड़ी पर थोड़ा ध्यान रखा करो ना, चेक करा करो, देख लो आप। ये देख लीजिए, उठाओ ये देख लीजिए कपड़ा, ये देखो, निकलो अंदर से, ये देखो निकल भी नहीं पा रहा इतना अंदर है। ये देखिए, ये देखिए कपड़ा। अरे ये इसके लिए गया था कि इससे पहले हमने जब काम कराए थे, वो भाई ने पेट्रोल सूंघा सूंघा के शायद से अंदर ही भूल गया था। अब अल्लाह जाने क्या है क्या है। इसके पहले भी इंजन का काम हुआ है, तो हम लोगों ने नए नाम से इसका इंजन बनाए थे, फिर इसका प्रॉब्लम आ रहा था धुआं मारने का। तो दोस्तों, यही प्रॉब्लम था इसके अंदर, जो कपड़ा फंसा हुआ था इंटरकूलर के अंदर, एयर फिल्टर के पाइप में ये वाला कपड़ा फंसा हुआ था। तो जो इसके पहले जो मैकेनिक था उसने कपड़ा भूल गया है कि क्या हुआ है, तो हमने आपको दिखाया है कि पाइप दब रहा है इसके इसके आगे जो आपने देखा है पाइप दब रहा है एयर फिल्टर का, तो वो यही कारण था कि कपड़ा घुसा हुआ था इसके अंदर। तो इसी तरह आप ध्यान रखते रहिए, सतर्क रहिए।